Bitch, I wanna party like Chris. Guys, back to Jared Ekman. This is Kevin. I'm back again with one more unboxing video. So finally, as I promised you, मैंने जैसे आप लोगों को promise किया था कि दो दिन बाद या very next day I'm going to do the unboxing. तो हम लोग के पास तीन boxes से, जिसमें से एक box मेरे हाथ में है और ये काफी heavy है. इतना भी नहीं है बट यस हैवी है. तो मुझे लगा कि पहले शुरुआत इसी से ही करते हैं, जो हल्का है उसको बाद में करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले हल्की चीज़ों का मैं अनबॉक्सिंग करूँ. बट प्राइस इज अ प्राइस, गिफ्ट इज अ गिफ्ट, इट इज प्राइसलेस नो मैटर उसकी अमाउंट कितनी भी हो. भले 100 रुपया हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो या 10 रुपये भी हो, गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, उसकी प्राइस कोई नहीं होती, इट्स कंप्लीटली प्राइसलेस. सो आई एम ग्लैड कि ये तीन गिफ्ट है जिसमें से एक गिफ्ट मैंने खुद को करी है और वो आई एम श्योर काफ़ी लोग को पता है. जब भी नवीन तेंदुलकर का PS5 हम लोगों ने शिप किया था, उसके बॉक्स के बाजू में मैंने उस चीज़ को रखा था, तो वो है अमेजोन की वो थर्ड वाली बॉक्स. इनफैक्ट ये सारे अमेजोन से ही बिलोंग करते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इसके ऊपर अमेजोन के बारे में ही लिखा हुआ है. तो चलो बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ. और बिफोर इसके पहले मैं अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ूँ, प्लीज़ ये जो नया वायरस आया है, यू नो, कोरोना का छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी है यार, ये बहुत ख़तरनाक है. प्लीज़ अपना ख्याल रखो, मास्क पहन के बाहर निकालो, बाहर निकलो, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करो. अगर आप लोगों ने दो वैक्सीनेशन ले ली है तो प्लीज़ स्टिल, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्टिल सेफ हो. ये ओमिक्रॉन काफ़ी घातक हो सकता है, अभी तक पता नहीं उस वायरस का कितना इफेक्ट है लोगों पे, क्या क्या असर हो रहा है. तो आप अपने परिवार से ज़रूर प्यार करते, तो अपने मॉम डैड जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली में, इनफैक्ट हम लोग सबसे प्यार करते, तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग द डिस्टेंस व्हेन यू गो इन द क्राउड. बाहर जब जा रहे हो क्राउड में थोड़ा दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन रखो, खांसते हो, मतलब जो भी है प्लीज़ प्रिकॉशंस लो. तो चलो बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ. तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स दूंगा जो भी है. मैं खुद शो नहीं हूँ ये क्या है, 3D Pulse है या क्या है मुझे नहीं पता, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज. लेट्स डू द अनबॉक्सिंग गाइस एंड लेट्स नो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव ऑन द बॉक्स. एंड मैं सारी डिटेल्स दूंगा, जो भी प्रोडक्ट होगा उसके बारे में सारा डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट क्या करता है, और इसका एक क्विक रिव्यू भी बता दूंगा इसी वीडियो में. जो भी हो, मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज है कि अगर जो भी प्रोडक्ट निकलेगा मैं उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग. एंड Before I do that, thank you so much for everyone subscribing the channel. Love you all guys. Stay connected to the video. Let's do the unboxing right away. Welcome guys back to the screen. Screen pe aap sabka swagat hai. Chalo karte hai is dabbe ko unbox. Mystery box hai ye ek tarah ka mere liye. Mujhe bhi nahi pata iske andar kya hai surprise. Ye meri new year gift hai and I'm really excited to open this. Thanks to my girl. Thank you so much dear for gifting me this wonderful gift. Aur yes guys, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है और मुझे खुद को नहीं पता इसमें क्या है. तो अगर आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा तो उसका कारण एक ही होगा, टाइटल में आप लोगों को पता चल चुका है कि इसके अंदर क्या है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बॉक्स ओपन कर लिया है, बॉक्स ओपन करने के बाद देख लिया है और उसको टाइटल में अपडेट कर दिया है ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि एग्जैक्टली किस चीज़ की अनबॉक्सिंग हो रही है. तो आइए बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ. डब्बे में डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा. चलो खोलते हैं इसको. हमारे पास एक घर का चाकू और खोलेंगे हम घर के चाकू से. खास है ये चाकू, बहुत ही खास. तो नीचे हमारी कुछ डिटेल्स है तो इसके वजह से मैं नीचे का पार्ट नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि उधर मेरी इन्फॉर्मेशन है. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे खुद को पता नहीं एग्जैक्टली होने क्या वाला है डब्बे में, और बहुत ही रफ तरीके से घातक करते हुए डब्बे का खून होते हुए खून भरी मांग. अरे बाबा डब्बे में डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, ये गलत है यार, ऐसा कैसा हो सकता है. तो ये और एक प्रेम पत्र अमेजोन की तरफ से, उसका कोड नंबर, GST नंबर, और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है गाइस. तो इसको मैं साइड में फेंक रहा हूँ. अच्छा ये मेरा पूरा डिटेल्स है बिलिंग का, इसके अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न डाउन है कि एग्जैक्टली है क्या, और गाइज मुझे पता चल चुका है ये क्या है. और इसमें मेरी डिटेल्स भी है तो आई एम सॉरी मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं एक पार्ट तो ज़रूर दिखा सकता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली है क्या. और
4299 में पढ़ाई है उनको, तो आप लोग देख सकते हो ये है HD कैमरा बॉयस। HD कैमरा है इसमें। ओह माय गॉड, वाओ। लेट्स ओपन अप। मैं श्योर था ऐसे ही कुछ होगा इसमें। चलो खोलते हैं। God, look at this beast. Finally, हमारे घर पे आ चुका है guys, PlayStation का HD कैमरा, and I'm really glad. तो इसमें लिखा है 1080p HD कैप्चर, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवल टूल भी है इसमें, बिल्ट इन स्टैंड है, आई थिंक ये जो बॉटम में है वो बिल्ट इन स्टैंड है, और ये फॉर पोर PS5. सो लेट्स अनबॉक्स, लेट्स फाइंड आउट, करते हैं इसको अनबॉक्स। और मुझसे अभी रहा नहीं जा रहा है। फाइनली लाइव स्ट्रीमिंग होगी अभी वॉइस विद फेस कैम होगा, वॉइस फेस कैम होगा अभी, तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली लिखा है यहाँ पर इट्स एन HD कैमरा। और ये रहे इसके फीचर्स, इसके अंदर फीचर्स में क्या क्या है आप लोग वो भी पढ़ सकते हो। ये रहा 1080p HD कैप्चर, दैट मीन्स ये HD से HDR मोड, मतलब HD मोड पे जाता है ये, ऑफ कोर्स हाई डेफिनेशन मोड पे जाता है। और बैकग्राउंड रिमूवल टूल भी है, दैट मीन्स इसमें क्रोमा टूल होगा जिससे हम लोग ग्रीन स्क्रीन रख सकते हैं। बिल्ट इन स्टैंड जो ये बॉटम में है ये इसका बिल्ट इन स्टैंड है, और पैकिंग काफ़ी स्मूथ है, अच्छी है। चलो खोलते हैं इसको, देखते हैं डब्बे में और क्या क्या मिला है। डब्बे में डब्बा। तो ये रहा इधर, और इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ। Let's keep it this way. तो ये बॉक्स यहाँ पर, चलो देख लो। तो आइए ओपन करते हैं। वाओ, एक्सीलेंट हो। लुक एट दिस बीस्ट मैन। तो चलो बढ़ते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ एग्जैक्टली ये क्या क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और ये कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ प्लेस्टेशन HD कैमरा, यू कैन टेक अ लुक एट दिस, एंड दिस केबल वायर इज ऑलमोस्ट 6.6 फीट, दैट मीन्स 6.5 फुट की वायर है ये, दैट मीन्स आप ये डिटैचेबल वायर है, डिटैच नहीं, नॉन डिटैचेबल वायर है ये, डिटैच नहीं हो सकती है, इट्स स्ट्रेट प्लग्ड इन। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊंगा तो ये देखो, ये डायरेक्ट अटैच्ड है अंदर, तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो किसी भी प्रकार से, आप इसको रिमूव नहीं कर पाओगे, ये नॉन डिटैचेबल केबल है, और ये कम से कम 6 फुट की है, 6.5 फुट के ऊपर है। और ये रहा हमारा कैमरा, और ये रहा इसका सील, अभी तक इसके ऊपर ये पेपर्स है, और ये रहा इसका स्टैंड जहाँ से आप लोग इसको फिक्स कर सकते हो, टीवी के ऊपर माउंट कर सकते हो। तो LED जो भी है आपके पास, मॉनिटर, गेमिंग मॉनिटर जो भी है, ये लिटरली एक आंख लग रही है, मतलब जैसे कि ये है PSVR के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि इसको आप PC पे नहीं यूज़ कर सकते, यू कैन नॉट यूज़ दिस ऑन PC, दिस इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट यू गॉट मेक अ नोट ऑफ, कि यू कैन नॉट कनेक्ट दिस टू PC। अगर उसके कोई एक्सटर्नल अडाप्टर्स है, थर्ड पार्टी अडाप्टर्स है, मे बी तब वो काम कर सकते हैं, पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये PC पे काम नहीं करेगा। Second point is that this camera will not work on PS4. If you have a PS4, if you're trying to use this camera, अगर ये camera आप PS4 पे use करने को देख रहे हो, तो ये PS4 पे बिल्कुल नहीं चलेगा guys. अगर उसकी कोई third party adapter है जो अभी भी installed, मतलब launch हुई है या अभी भी available है, अगर उससे ये चल जाए, so God knows, but I cannot assure you कि ये PS4 पे चलेगा, जहाँ तक मुझे पता है ये नहीं चलेगा। और रहा बात PS4 है आपके पास, PS4 की PSVR है, ठीक है, तो PS4 की PSVR है, तो आपको सोनी के वेबसाइट पे जाना होगा, वेबसाइट पे जाके इसकी जो अडाप्टर्स है, थर्ड पार्टी अडाप्टर्स, जो इसके एग्जैक्ट अडाप्टर्स है लेटेस्ट वाली, अगर आप PS5 का कैमरा PS4 के PSVR पे यूज़ करना चाहते हो, PSVR की बात कर रहा हूँ अभी, तो वो अडाप्टर्स आप इसका मॉडल नंबर PS4 का आप डाल के उसको इंस्टॉल करके, दिस इज द थर्ड पॉइंट गाइस, उसको इंस्टॉल करके देन यू कैन यूज़ दिस ऑन PSVR। और अब लेटेस्ट PSVR ऑफ PS5, इट विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। सो लेट्स टेस्ट दिस बीस्ट, let's check the clarity and let's do the setting and let me show you how exactly this camera is going to do the face cam for me. So main ek chhoti si testing karke aur iski settings bata deta hu, chalo video ko pura end tak dekhna guys, let's do it.
सो वेलकम गाइस बैक टू द स्क्रीन एंड मेरे को आपको सेटअप दिखाना था, तो क्विक सेटअप HD कैमरा का। तो अभी ये रहा हम लोग का कैमरा जो टीवी के मैंने एग्जैक्टली ऊपर ही इसको प्लेस करा हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा पोजिशन अगर दिखा दूंगा तो ये रहा कैमरा, ठीक है, वो रहा ऊपर कैमरा, और मैंने वायर डायरेक्ट PS5 के पीछे ही लगा दिया है। तो PS5 के वायर पीछे लगा के आपको कुछ और एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी करूँगा मैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैंने मेरा हेडसेट ऑलरेडी रेडी कर रखा हूँ, तो मैं एक लाइव डेमो करके दिखाऊँगा आप लोग को। क्विक, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट डेमो करेंगे हम लोग और क्विक हैंड्स ऑन देखेंगे कि कैसा एग्जैक्टली एक्सपीरियंस होता है इसका। सो लेट्स डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सीधा एक्सेसरीज में जाना है। एक्सेसरीज में आने के बाद में आपको जाना है कैमरा में। इसके लिए आपको कोई एडिशनल टूल्स या कोई एक्स्ट्रा ड्राइवर्स कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ कैमरा डायरेक्ट प्लग एंड प्ले जैसा है। कैमरा को मैंने पीछे कनेक्ट कर दिया है और सीधा कैमरा ऑप्शन में सेटिंग्स में गया हूँ, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं एक्सेसरीज में गया हूँ, एक्सेसरीज में जाने के बाद मैं आई एम गोइंग टू कैमरा, फिर एडजस्ट HD कैमरा में जाना है। एडजस्ट प्लेस्टेशन कैमरा नहीं, क्योंकि वो प्लेस्टेशन 4 के लिए है। सो एडजस्ट HD कैमरा। HD कैमरा पे आने के बाद में यू गेट दिस ऑप्शन, एडजस्ट योर HD कैमरा सो दैट योर पोजिशन कैन बी करेक्टली रिकग्नाइज ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। 3 पिक्चर्स ऑफ यू विल बी टेकन, पोजिशन योर सेल्फ सो दैट योर फेस फिट्स इन द फ्रेम आफ्टर द पिक्चर्स आर टेकन। एडजस्टमेंट ऑफ योर HD कैमरा विल बिगिन, सो दैट मीन्स मुझे अभी जाके मेरे चेयर पे बैठना है और ये क्या करेगा, मुझे रिकग्नाइज करेगा कि एग्जैक्टली मैं हूँ कहाँ पर। तो आप लोग ये देख सकते हो अभी, अब मैं यहाँ पर हूँ, ओके सब ठीक है, हेलो वॉइस, सो द कैमरा इज गुड। मैंने अभी तक उसके ऊपर की प्लास्टिक नहीं निकाली है, सो आई थिंक मैं जब वो प्लास्टिक निकालूंगा और ज़्यादा क्लियर आएगा। तो पहले मैं इसका फेस रिकग्निशन करवा लेता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, और अब और एक थर्ड पोजिशन आई थिंक यहाँ पर आके हो गया। रेडी, योर HD कैमरा इज एडजस्टेड सेट। अभी यहाँ पर अगर आता हूँ तो ये अलग है, प्लेस्टेशन 4 के लिए। अब मैं बैक करूँगा, अभी हम लोग क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, सो कैप्चर एंड ब्रॉडकास्ट में जाऊँगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट में जाऊँगा। ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद वीडियो क्वालिटी में इसको 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, विच इज गोइंग टू बी प्योर HD 60 फ्रेम पर सेकेंड्स में रखूँगा इसको। ये कोई भी सेटिंग सेट नहीं करने वाला हूँ, इसको सीधा यहाँ पर लाके सेट करूँगा। फिर कैमरा में जाऊँगा, डिस्प्ले कैमरा, तो ये रहा, इसने मुझे डिस्प्ले पर डाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं हल्के हल्के लाइन्स जो आ रहे हैं, तो शायद मैंने मेरा एक लाइट ऑन किया है, इसको ऑफ करके देखता हूँ, शायद ही ठीक है। ये देखो फर्क पड़ा, देखा, ये हल्के हल्के लाइन्स जो आ रहे थे अभी नहीं आ रहे, विच आर गॉन। तो अभी साइज मीडियम लार्ज, ओहो क्या बात है, लार्ज में भी अच्छा दिख रहा है। ये जिम बंद है फिलहाल, जिम चालू हो जाएगी, तो स्मॉल में रखता हूँ। क्लिपिंग मास्क, सर्कल कटआउट, ये भी बेस्ट है। मैं चेयर पे बैठता हूँ चेयर पे बैठेंगे हम लोग, ठीक है। सर्कल कटआउट भी सही है, मेरे को कैमरा का पोजीशन थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, नन रखता हूँ एक बार इसको। अच्छा मैंने कैमरा बंद कर दिया, एक मिनट, सॉरी बॉयस। इसको अगर लार्ज करते हैं, ये देखो अभी ये पूरा दिखा रहा है मेरे को। मीडियम, स्मॉल और क्लिपिंग मास्क को रखते हैं, ये रहा कटआउट, ये रहा स्क्वायर कटआउट, और ये रहा हेक्स कटआउट, ये रहा ऑटो की, विच इज मैं खुद सेट कर सकता हूँ। हेक्स कटआउट सही लग रहा है मुझे, और एक है क्रोमा की, मतलब पीछे अगर मेरे ग्रीन स्किन होगी, जो कि कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन चीज़ें वो ब्लैक हो गई है, इफेक्ट देख सकते हो कितना तगड़ा है, पर ग्रीन एक्चुअली कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बट हाँ ये ज़रूर ग्रीन है, बट इसको उसने पकड़ा नहीं है, तो क्रोमा की को बंद कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। सर्कल कटआउट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, ये सही लगा, और एक हेक्स कटआउट करके है, ये भी मुझे बेटर लगा, और हम लोग शायद ही स्क्वायर या नन पे रखेंगे, या तो सीधा सर्कल कटआउट पे हम लोग स्ट्रीमिंग कर लेंगे। अब रहा नन रखता हूँ, और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, मतलब पोजिशन मेरी यहाँ से वहाँ पर लेफ्ट राइट, देख सकते हो आप लोग। और इफेक्ट्स, ये रहा कॉमिक मोड, बहुत ही खतरनाक। ये रहा पिक्सलेट, मतलब अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ स्ट्रीम में या कुछ भी हरकतें कर रहा हूँ, तो ये पिक्सलेट उसको हटा देगा। स्केल लाइंस, स्कैन लाइंस,
स्कैन लाइन जैसे कि स्कैनिंग होती है, GTA का प्लेयर जब कैमरा एक्सेस करता है किसी डोर के अंदर घुसने के टाइम पे, तभी ये स्कैनिंग वाली इमेज आती है, सेम वैसे ही इफेक्ट दे रहा है। टॉय कैमरा ये मुझे बेटर लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है थोड़ा। और मोनोक्रोम इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट विच इज़ नॉट बैड, सो आई कीप इट टू नन ठीक लगा। ब्राइटनेस है ठीक है, ज़्यादा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, और भी कम कर सकता हूँ ऑन द बेसिस कॉन्ट्रास्ट, फिर अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ब्राइटनेस फुल ज़्यादा ब्राइट, फुल डार्क, और ये सही रहा। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा मैं रजिस्टर टू डिफॉल्ट कर देता हूँ, और दोबारा कैमरा ऑन कर देता हूँ। और एक चीज, रीफोकस ऑन योर फेस, आप देखो आप लोग खत्म, सो दिस विल फोकस ओनली ऑन माय फेस। अभी मैं जैसे ही ये प्लास्टिक निकाल दूंगा ठीक है, सो रीफोकस ऑन माय फेस को मैं अगर हटा देता हूँ दोबारा, फिर दोबारा अब मैं प्लास्टिक निकालने का ट्राई करता हूँ, शायद ही कुछ फर्क पड़े। ओके प्लास्टिक निकल चुका है, आप कैमरा को थोड़ा और अच्छे से सेट कर लेता हूँ। ये रही वो प्लास्टिक, और अभी हम इसको रिस्टोर टू डिफॉल्ट करते हैं, ये दोबारा कैमरा बंद हो जाएगा, अब मैं उसको दोबारा जाके ऑन करूँगा। देखो गाइस थोड़ा फर्क पड़ा है प्लास्टिक निकालने के बाद में, आप लोग देख सकते हो, स्मॉल फ्लिपिंग मास्क, स्क्वायर कटआउट, हेक्स कटआउट ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्रॉडकास्ट में, ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद मैं कान ब्रॉडकास्ट स्टार्ट द गेम, समझो चलो ये गेम स्टार्ट कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ ब्रॉडकास्ट। ये रहा, कैप्चर ऑप्शंस, तो ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद यू गेट द सेटिंग्स, ये देखो ब्रॉडकास्ट ऑप्शंस ठीक है, डिस्प्ले कैमरा ऑन, डिस्प्ले चैट ऑन, पोजिशन टॉप लेफ्ट, वीडियो क्वालिटी सेट है ठीक है, और डिस्प्ले चैट भी ऑन रखा है मैंने, तो गो लाइव कर रहा हूँ। ये देखो मेरा कैमरा आ चुका है वहां पर, तो मैं इसको यहाँ पर भी सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी कर सकता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सेंटर में ही रखूँगा या तो फिर टॉप में रखूँगा, डिपेंडिंग अपॉन द गेम, जो भी गेम हम लोग खेलते हैं वो हिसाब से इसको सेट जरूर रखूँगा। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज केविन फ्रॉम जेराटे गेमर एंड लव यू ऑल गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज पुट अ लाइक, एंड फाइनली वी आर बैक विद द फेस कैम, एंड येस वेरी सून आई एम श्योर टुमारो इट्स गोना बी, और टुडे आई एम सॉरी टुडे इट्स गोना बी the face cam in the evening, and I hope you all to see you live on the face cam. Thank you so much guys, this is Kevin again from Jeraide Gamer, love you all guys, please like karna, comment karna video kaisa laga, aur definitely batana mujhe ki aap logo ko video pasand aaya ki nahi aaya, aur mujhe ye zarur batana ki quality kaisi hai, thoda hum log upar bhi ho jata hu, ha abhi thoda you know abhi lag raha hai ki ha bhai gaming ho sakti hai abhi, aur behtar gaming ho sakti hai, to isko maine yahan par fix kar diya, seedha start kar diya game ko, समझो अभी मैं लाइव कर रहा हूँ इसको, और सीधा कैंपेन मोड में गया, जो भी गेम में लगा दिया यहाँ पर गया, सेट गाइस गुड टू गो, सो फाइनली वी आर बैक विद द फेस कैम, लव यू ऑल गाइस, सी मी इन द इवनिंग स्ट्रीम, प्लीज ठोको लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, वेरी सून आई एम गोना कम अप विद मोर वीडियोस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर।